तो भाई लोग अभी रात के 10:31 हुई है और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ बोस गैंग के नए अड्डे पे। और यहाँ पे जो ये वाला नया अड्डा है बोस गैंग का, ईशान भाई, स्मार्टी पाई और इन सब का, और ये सभी लोग प्लीट भाई के सहित सभी के सभी लोग अभी गेम के अंदर एक्टिव हुए और सभी अपना अपना ना कुछ तो काम कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने रास्ता बना लिया और मैं आ चुका हूँ यहाँ पे बोस गैंग के अड्डे पे। वैसे मैं ना यहाँ पे सब कुछ देख लेता हूँ पहले कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वैसे ये रहा इन लोगों का बीकन, एंड इसके अलावा ना ये सभी लोग अभी है कहाँ पे, मेन चीज़ तो यही है ना कि ये लोग है कहाँ पे और काम क्या कर रहे हैं। अगर हमने वो चीज़ नहीं देखी और इन लोगों ने हमें यहाँ पे देख लिया ना, तो हमारी नेदराइट तलवार, नेदराइट बो, नेदराइट का एक्स बो है और उसके अलावा जो भी चीज़ हमारे पास नेदराइट का वेस्ट भी है, वो सभी चीज़ चली जाएगी इन लोगों के पास। तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे फाइट करूँ, मैं मेन चीज़ यहाँ पे ना देखने के लिए आऊँ कि ये लोगों का नेक्स्ट प्लानिंग क्या चलने वाला है। बिकॉज लास्ट टाइम जब हमारी वॉर हुई थी उसके अंदर इन लोगों ने हमें भी धोया था और हम लोगों ने भी इन लोगों को बिना साबुन के धोया था, मारा मारी बहुत ज़्यादा हुई थी और उसके अंदर कहीं ना कहीं पे मैंने तो सबसे ज़्यादा इन लोगों को मारा था, मतलब मेरे से ज़्यादा इन लोगों को किसी ने भी नहीं मारा होगा। प्लीट को एक ही स्वॉर्ड में मैंने ख़त्म कर दिया था। बट यहाँ पे क्या अभी ये लोगों की प्लानिंग चल रही है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से ना मैं छिपके से अंदर की साइड जाऊँगा, मतलब मैं ना एक टाइप से जेम्स बॉन्ड बना हुआ हूँ, मैं एक जासूस बना हुआ हूँ और मैं जासूसी कर रहा हूँ। पर ये लोग अभी है तो ही कहाँ पे वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। पहले एक बार के लिए ना ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये लोग कितने हैं और कहाँ पे है। तो ये देख लो, नाम तो मेरे को ना हल्का सा दिखना स्टार्ट हो गया है। ओके, यहाँ पे यही जगह पे ये लोग मेरे को दिख रहे, ये लगा, ओहो नहीं 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 नहीं, थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे। बट आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की या नहीं कि मेरे को पता नहीं, बट यहाँ पे इस गैंग के साथ साथ, बोस गैंग के साथ साथ रोनी भी बात कर रहा था। मतलब रोनी बोस गैंग के साथ सभी मेंबर के साथ क्या बात कर रहा था, वो सबसे बड़ा सवाल था। बिकॉज अगर एक बंदे के साथ बातचीत करता तो समझ में आता कि उसको कोई सामान वगैरह चाहिए होगा तब बात कर रहा है। बट जहाँ तक मेरे को रोनी ने बताया था कि रोनी भाई ने यह बोला था कि मैं किसी की भी साइड नहीं हूँ, ना मैं बोस गैंग की साइड हूँ, मैं आपके साइड भी नहीं हूँ, मतलब उज्ज्वल भाई और मेरी साइड भी नहीं है, तो फिर ये बोस गैंग के साथ बातचीत क्यों कर रहे हैं? और अगर बातचीत कर भी रहे तो एक एक बंदे के साथ ना, पर्टिकुलर एक बंदे के साथ बातचीत चल रही होती तो समझ में भी आता कि हाँ ये कोई एक बंदे के पास कोई काम आया होगा तो इसलिए आए हैं, बट ये सभी के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो मैं ना यहाँ पे पहले एक बार स्टोन लेता हूँ और एक पूरा रिज बना लेता हूँ, मतलब एक ऊपर तक का ना एक पहाड़ जैसा बना लेता हूँ और वहाँ से अपन लोग बिलोरी कास्ट से देखेंगे। बिलोरी कास्ट नहीं, इसको स्पाई आई बोलते हैं और अपन लोग ना अभी जासूसी ही कर रहे हैं। तो आ जाओ यहाँ पे, इसको तीन चार मतलब जितने ब्लॉक्स लगाने पड़े लगाएंगे। अभी मारते हैं कैमरा और इस कैमरे के अंदर ना कोई दिख नहीं रहा है, थोड़ा और ऊपर करने दो मेरे को। वैसे मुझे नहीं लगता यहाँ से ये लोग दिखने वाले, बट एक नाकाम ट्राई है, क्या पता दिख जाए लोग यहाँ से। और अभी ना सुबह से रात हो चुकी है और अभी तक मैं यहाँ पे जासूसी ही कर रहा हूँ। और एक और बार अपन यहाँ पे कैमरा मारते, अब देखो एकदम क्लीन तरीके से स्मार्टी पाई, रोनी, फ्लीट और ईशान भाई चारों के चारों दिख रहे हैं। मतलब ये चीज़ से ना आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कुछ ना कुछ तो प्लानिंग इन लोगों का चल रहा है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक तो ये लोग क्या बातचीत कर रहे होंगे मेरे को कुछ समझ नहीं आया। और जहाँ तक मुझे लगता है वो ये जो ट्रैप था, जो एक मिस्ट्री बना हुआ है कि वो ट्रैप किसने बनाया था, वो भी रोनी भाई ने ही बनाया होगा। बट अभी के लिए मैं एक ही चीज़ कर सकता हूँ, वो है बीकन की चोरी, क्योंकि मुझे ना अभी गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो रोनी भाई इन लोगों के साथ हाथ मिला रहे हैं और यहाँ से मैं लेने वाला हूँ बीकन्स। और अभी ना आप लोग एक बीकन्स लेके सीधा यहाँ से भागने वाले हैं। रोनी भाई को जो भी करना है करे, बट यहाँ पे एक चीज़ तो साबित हो गई है, रोनी भाई ने बोस गैंग ज्वाइन कर लिया है और उसकी पुष्टि इस वीडियो के अंदर हो चुकी है। मतलब स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को ये चीज़ दिखा दी कि रोनी भाई वहाँ पे क्या बातचीत कर रहे थे। वैसे तुम लोग ना कमेंट करके बताना तुम्हें क्या लगता है इन लोगों की क्या प्लानिंग चल रही होगी, क्योंकि इसके पहले भी फाइट हो चुकी है हम लोगों की और वो बहुत ज़्यादा मगजमारी वाली थी। बट अभी के लिए एक और फाइट होने वाली है ऐसा मेरे को लग रहा है। तो भाई लोग सभी लोगों का स्वागत है और मैं आ चुका हूँ यहाँ पे हीरो ब्राइन एसएमपी की मेन जगह पे, जहाँ पे आपको ना सामने की साइड देखने को मिलेगा हमारा न्यू हीरो ब्राइन टावर। और यहाँ पे ना ऑलरेडी एक बीकन लगाया हुआ है, मतलब एक बीकन ऑलरेडी बना पड़ा है और जिसका हम लोग यूज भी कर रहे हैं। बट मैं चाहता हूँ कि जो अपन लोग बीकन चुरा के अभी आए है, वैसे प्लान हमारा ये नहीं था कि अपन लोग बीकन चुराएंगे। अब देखो बीकन चुराने का प्लान तब बना जब मैंने रोनी भाई को उन लोगों के साथ बातचीत करते हुए सुना। अब सीन ये हुआ कि रोनी भाई वैसे तो ये बोलते कि नहीं अज्जू भाई मैं उनकी साइड नहीं हूँ, नहीं मतलब मेरे को अकेले को नहीं, उज्ज्वल भाई को भी ये बोलते हैं कि मैं उनकी साइड नहीं हूँ, पहले मेरे को इसको मारने दो। ये गया, अब तो खत्म है, चलो
तो यहाँ पे ना उज्जवल भाई हो गए, मैं हो गया, हम सबको ना रोनी भाई बोलते कि मैं किसी की भी साइड नहीं हूँ। बट अभी के लिए जैसे हम लोग वहाँ पे गए, आप सभी ने देखा कि रोनी भाई वहाँ पे कुछ ना कुछ बातचीत कर रहे थे। और मैं सच बताऊँ ना तो जो एक ट्रेप वाली चीज है कि ट्रेप किसने बनाया था, उसके अंदर सबसे ज्यादा शक मेरा किसी के ऊपर जा रहा है वो तो रोनी भाई है। वो मेरे को लगता है कि लगता नहीं, मेरे को कन्फर्म लगता है कि रोनी भाई ने ही वो ट्रेप बनाया था। अब मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि भाई उन्होंने ही बनाया कि नहीं बनाया है, बट एक साइड से ना मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा है, बट मुझे लगता है कि नहीं रोनी भाई ने ही वो ट्रेप बनाया था। बाकी आप लोगों को कुछ पता लगा हो तो मेरे को कमेंट करके बताओ कि यार किसने वो ट्रेप बनाया था जिसके अंदर वो लोग गिरे एंड उसके बाद वॉर चालू हो गई थी, मतलब मारामारी चालू हो गई थी। वैसे उस मारामारी के दौरान जैसे कि सभी लोग जानते हो रोनी भाई बोल रहे थे कि हम किसकी साइड, किसी की भी साइड नहीं है, बट अभी हम लोग कन्फर्म करके आए कि रोनी भाई उन लोगों की साइड ही है। तो अभी आप लोग क्या करने वाले, तुम लोगों को पता है रोनी भाई का जो है रेलवे ट्रैक है ना यहाँ पे, इसको पूरा तोड़ देंगे, मतलब ऊपर वाला पार्ट नहीं तोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत की है डेफिनेटली, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत देता हूँ, बट ये वाला जो नीचे का पार्ट है यहाँ पे ही हम लोग बनाने वाले हैं अपना बीकन। और भाई चलो तो आ जाओ बीकन बनाना स्टार्ट करते। और बीकन के लिए ना मेरे को चाहिए बहुत सारे आयरन, क्योंकि आयरन के जो आते हैं ना वो ब्लॉक्स बनाने होंगे और उसके लिए आयरन चाहिए होगी। और आयरन की तो कोई भी अपने पास, आप लोग भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, कोई भी किसी भी तरह की कमी नहीं है, क्योंकि अपने पास से सबसे बड़ा आयरन फार्म इस पूरी हीरो ब्रांड एसएमबी का, मतलब ये चीज़ तो बताने की जरूरत नहीं है कि अपने पास ही सबसे बड़ा हीरो ब्रांड एसएमबी का आयरन फार्म है। देखो मतलब आयरन कितना है ये चीज़ आप देखो, बस देखते जाओ कितना ज़्यादा है तुम्हें पता लगेगा। बट अभी के लिए ना मुझे एक चेस्ट चाहिए होगी जिसके अंदर मैं मेरा जो सामान है वो रख सकूँ। तो आ जाओ अपन लोग जाते हैं पहले तो अपने हीरो ब्रांड टावर के अंदर, और अपने पास जो भी एक्स्ट्रा चीज़ वहाँ से लेके आए हैं वो सभी चीज़ यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पे जो ए वाली चीज़ है ना, ये जिसका नाम मेरे को पता नहीं, इसका नाम मैं शाडी बोलेगी इसको, मेरे को प्रोनाउंस पता नहीं है। ए वाली चीज़ भी मैंने वहाँ से ही जो अपने स्मार्टिफाई है उनके एरिया से ही ली है, ईशान भाई वो स्मार्टिफाई के एरिया से ही ली है। जब फाइट चल रही थी तब कहीं रास्ते पर मुझे गिरा हुआ दिखा था और मैंने उठा लिया था, कोई मरने के बाद किसी के बैग से निकला होगा या पता नहीं बैग क्या उसको क्या बोलते हैं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ से मैंने उठा लिया था, बट अभी देखो इसको यहाँ पे रख देते हैं, इतनी ज़्यादा हमें एरो की ज़रूरत नहीं है, तो एरो क्यों भी रख दिया। और इंक भी, मतलब मेरे ख्याल से इंक की भी ज़रूरत नहीं, इसको भी रख देते हैं। दो दो शील्ड की भी ज़रूरत नहीं है, सच बताओ तो एक भी शील्ड की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ट्राइडेंट रख देते हैं, और उसके अलावा ये वाली क्या है, ट्विस्टिंग वाइंस, इसको भी रख देते हैं। वाइट बेड हमें चाहिए होगा, जब भी रास्ते में कुछ भी सीन होता है तो वाइट बेड तो अपन को चाहिए चाहिए। एरो अपन लोग रख देते हैं, अपने पास ही रखते हैं। रेस्टोन की ज़रूरत मुझे नहीं लगता पड़ने वाली है, तो रेस्टोन को भी रख देते हैं। नीदराइट एक्स वैसे नहीं चाहिए अभी के लिए, तो इसको भी रख दिया। फिशिंग रोड भी नहीं चाहिए, इसको भी रख दिया। और बाकी सब चीज़ें हम लोग लेके जा सकते हैं, बट मेरे को कैरेट अभी जो है गाजर है उसकी ज़रूरत नहीं है, अपने पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको अपन लोग यहाँ पर रख देते हैं। बाकी आ जाओ अपन को ना अभी आयरन लेने हैं, एंड उसके बाद क्राफ्टिंग टेबल के द्वारा अपन को बनाने होंगे बीकन्स के बॉक्स, मतलब बॉक्स नहीं एक ब्लॉक आते हैं ना, वो ब्लॉक बनाने होंगे, और उस ब्लॉक से बनेगा अपना पूरा का पूरा बीकन। तो आ जाओ पहले तो आयरन उठाते हैं। और आयरन मतलब सच में आप लोग मेरे को ये बताओ कि हीरो ब्रांड एसएमबी के अंदर सबसे बड़ा आयरन का जो बिजनेस है वो किसका है, मतलब आयरन का जो फार्म है वो किसका है। आई थिंक मुझे लगता है कि डेफिनेटली मेरा ही है। अब अपन से बड़ा कोई मेरे ख्याल से आयरन वाला बंदा नहीं होगा जिसके पास इतने आयरन हो गए, और आयरन हो गए मीन्स हो गए तो सही, बट इतना बड़ा फैक्ट्री किसी के पास नहीं होगा जितना बड़ा अपने पास फैक्ट्री है। तो अभी ना पहले इसके अंदर जाते हैं और बना लेते हैं आयरन के ए वाले आयरन ब्लॉक, और आयरन ब्लॉक अपन को बहुत ज़्यादा ही चाहिए, मेरे को पता नहीं कितने चाहिए, बट आई थिंक 64, ओ माई गॉड 64 और 65 हो गए मेरे ख्याल से, 64 में तो काम हो ही जाना चाहिए। वैसे अपने पास ना पड़े रहेंगे, और अभी मेन चीज़ वो है कि अपन को ना ये वाला पूरा चीज़ को क्लियर करना होगा, जो ये ना बहुत ही गंदा सीन लग रहा है जो अपने रोनी भाई का है। अब देखो वैसे ना मैंने रोनी भाई को वादा किया था कि मैं आपको ये जो स्काई रेल का नीचे वाला पार्ट है वो बना के दूंगा, बट सीन ये हुआ है, वादा तो नहीं किया था बट मैंने बोला था कि जैसे ही मैं फ्री होगा मैं बना के दूंगा, अगर वादा किया होता तो मैं निभाता। बट जिस हिसाब से हमने अभी देखा रोनी भाई उन लोगों के साथ कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रहे थे, पता नहीं क्या प्लानिंग कर रहे थे, और हमें ना ऊपर से ये बोलते हैं कि मैं किसी की भी साइड पे नहीं हूँ, बट वो सच बताऊँ तो बोस गैंग की साइड पे है वो, और वो बिल्कुल मेरे को अच्छी चीज़ नहीं लग रही है। तो अभी के लिए ना ये पूरा का पूरा पार्ट हम लोग हटाने वाले हैं और यहाँ पे बना देने वाले हैं आयरन का एक नया बीकन,
जिसका यूज में उज्जवल भाई, चपाती भाई, हम सब लोग कर सकते हैं। एड उसके अलावा जब लोग ईशान भाई वगैरह भी इधर आएगा ना, इन द एंड मतलब जैसे ही सब खत्म होगा, सब कुछ सही होगा, ईशान भाई, स्मार्टीफाई, एंड्रोबी सभी लोग इधर आ जाएंगे और वो लोग भी इसका यूज कर सकते हैं। तो सबके लिए प्रॉफिटेबल चीज़ है। एक तरफ से देखा जाए तो मैंने बिकन की चोरी की है, बट वो गुस्से में आके की है, और जिसका यूज मैं कर सकता हूँ और हम सब लोग कर सकते हैं एसएमबी के अंदर, सच बताऊँ तो। आ जाओ पहले अपन ना इन चीज़ों को क्लियर कर देते पूरी की पूरी चीज़ को, एंड उसके बाद अपन लोग आगे का काम स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने रास्ता कर दिया है क्लियर और हटा दिया है जो स्काईरेल के ऊपर जाने का रास्ता था वो, और अपन लोग वो चीज़ को कभी फुर्सत में बनाएंगे जब रिश्ते हम लोगों के सही हो जाएंगे रोनी भाई के साथ। बट अभी के लिए ना मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे बना दूँ बीकन जिसका हम सब लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया अभी, इसको ना मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो आ जाओ बीकन बनाने का काम स्टार्ट करते हैं। बाय द वे अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर देना है, था अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना, इसी और हीरो ब्रांड एसएमबी के नए वीडियो के लिए तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाला आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन करना ना भूले। अभी देखो सबसे पहले तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इधर लगेंगे, ऐसी ना लाइन बनेगी 9 9 की, और उसके बाद देखते 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आई थिंक 9 हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गए हैं। अब यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया है। अब यहाँ से अपन को कनेक्ट करना है 1 2 3 4, इधर गिनती करने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे ना अपन लोग इधर बनाने वाले हैं वापस से अंदर का ना, सभी चीज़ों को फुल करना होगा ना, मेन वही है, तो ये सबको फुल कर देते हैं वैसे। ओके देखो इस तरीके से, तो यहाँ पे अपना बीकन बनने वाला है, और मैं ना बीकन बनाने की पूरी प्रोसेस आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मेरे को लगा 64 के अंदर अपना बीकन पूरा का पूरा बन जाएगा, और सच बताऊँ तो मैं बुड़बक था, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही आयरन ब्लॉक की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आ जाओ फटाक से बना लेते हैं और भी बहुत सारे आयरन ब्लॉक। वैसे आयरन की कमी नहीं है, तो मैं किस तरीके की कंजूसी कर रहा हूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज आयरन इतने ज़्यादा है। तो बना लेते हैं आयरन के और भी ब्लॉक, क्या दिक्कत है। तो आ जाओ उठाते हैं यहाँ से आयरन, और इस बार मैं उठाने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा आयरन, मतलब लिटरली इतने ज़्यादा कि किसी ने सोची ना होगी। अभी देखो यहाँ पे रहा अपना क्राफ्टिंग टेबल, और इसके अंदर इन सभी आयरन का बनने वाला है आयरन ब्लॉक। अब इस बार मैं कन्फर्म हूँ कि आयरन का जो आयरन ब्लॉक बनेगा वो पड़े रहेंगे बट ख़त्म नहीं होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा पड़े रहेंगे बट अपने जो आयरन ब्लॉक है ना वो ख़त्म नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने 128 से ज़्यादा बना लिए है आयरन ब्लॉक, अब देखो पड़े रहेंगे ना, उसका कोई सोल्यूशन निकल के आएगा, बट अगर वापस से कम पड़ेगे तो वापस से बनाने होंगे, और मैं नहीं चाहता कि वापस से बनाने पड़े। इसको ऐसे कर देते, इसको ऐसे ऐसे ऐसे, और अभी हमें एक और लाइन बनानी होगी इस साइड पे, और एक लाइन छोड़ के ही लाइन बनानी है। तो इस तरीके से अपनी बनने वाली है ये वाली लाइन, और इसको भी इस तरीके से अपन को सही तरीके से लगाना होगा। अब आई होप ना अभी आयरन के ब्लॉक कम ना पड़े भाई मेरे को, देखो अभी के लिए लग रहा है कि अपने पास इनफ है, बट जब ये चीज़ बनेगी ना बाद में पता लगेगा कि रे बाप रे अभी और भी चाहिए होगी, ऐसा मेरे को लग रहा है कि ज़रूरत पड़ेगी। बट जहाँ तक मुझे लगता है ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट अगर पड़ेगी ना तो वापस से एक और बार हमारा कैलकुलेशन होगा गलत, बट आई होप हो जाए यार, थोड़ी सी इज्जत बच जाए, वरना लोग भी बोलेंगे यार क्या अज्जू भाई क्या गुंडा बनोगे रे तुम। आई थिंक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे इस तरीके से करना है, इस तरीके से हो गया, बस कम नहीं पड़े, थोड़े बच गए। तो यहाँ पे हमने लगा दिए है सब जगह पे आयरन के ब्लॉक, और हमारा जो नया वाला बीकन है वो बस बनने ही वाला है। तो इसको ले लिया अपन ने, और बीकन रख देते इधर, और यहाँ पे लगा देते अभी बीकन। तो यहाँ पे मैंने बीकन लगा दिया है, अभी इसको ना एक्टिवेट करने के लिए आई थिंक मेरे को ना इसके अंदर जाना होगा, और मैंने पहली बार बीकन बनाया है माइनक्राफ्ट के अंदर, मैंने सर्वाइवल सीरीज के अंदर भी कभी नहीं बनाया था, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम बीकन है। तो यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ आयरन, और ओके क्यों भाई चालू क्यों नहीं हो रहा बीकन, ऐसा तो क्या हो गया। अरे भाई साहब ये क्या सीन है भाई, ये आयरन से चालू नहीं होगा क्या। ओ भाई ये ले लो आयरन के ब्लॉक ही ले लो, तुम एक काम करो ये चालू क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट रुको, कुछ तो हमने फंडा कर दिया है जिससे ये चालू नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या इशू है। आई थिंक डायमंड देना होगा, नेदरराइट देना होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे ना मैं वापस से आयरन लेके आता हूँ, या तो क्राफ्टिंग टेबल कहाँ पे गया, अपन लोग जो ब्लॉक अपने पास है उसके वापस से आयरन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब आयरन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, क्योंकि मेरे को पता नहीं, मैंने कभी ऐसा किया नहीं है कि जो आयरन ब्लॉक है उसको आयरन में वापस से कन्वर्ट किए हो। तो आई होप बन जाए यार, हाँ डेफिनेटली बन सकते, किसने बोला नहीं बन सकते, देखो
तो यहाँ पे हमारे पास, ओ बाप रे, देखो तो सही कितने सारे आयरन हो गए रे। तो ये चीज मेरे को काफी सही लगी। बट ये वाला बीकन अभी तक एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वैसे इसके अंदर गया, यहाँ पे लगाता हूँ मैं आयरन, और आयरन लगाने के बाद भी अगर ये एक्टिव नहीं हो रहा है तो कोई तो लोचा है, मेरे को पता नहीं क्या लोचा है, बट इसका कुछ ना कुछ हमें सोल्यूशन निकालना ही होगा। तो भाई लोग यहाँ पे मुझे ना अभी समझ आ चुका है कि अपना जो बीकन है वो किस लिए एक्टिव नहीं हो रहा है, जबकि अपन लोग आयरन भी डाल रहे हैं फिर भी ये एक्टिव नहीं हो रहा है। इसके पीछे का रीज़न जो था वो मुझे समझ आ चुका है, और वो रीज़न ये है कि ऊपर जो स्काई रेल है वो इसे ब्लॉक कर रही है। तो अपन को ना चाहते हुए भी ऊपर वाला पार्ट तोड़ना होगा। तो दिल से सॉरी रोनी भाई, मैं तोड़ना तो नहीं चाहता ऊपर वाली चीज, और ये चीज ना आप सभी लोग भी जानते हो। तो रोनी भाई को जरूर बोलना कि अज्जू भाई आपकी स्काई रेल नहीं तोड़ना चाहते थे, बट हालात ऐसे बन गए कि तोड़ना पड़ा। क्योंकि मैं अभी ना ये बीकन तो नहीं तोड़ने वाला हूँ, बिकॉज इसके अंदर मेहनत स्काई रेल से ज्यादा लगी है। तो अपन लोग एक चीज कर सकते हैं, और वो है कि अपन लोग जो ऊपर वाला स्काई रेल वाला पार्ट है उसको ही तोड़ दे। तो आ जाओ गाइस, उसको तोड़ देते हैं, और मैं इधर से ब्लॉक लगा लगा के ही ऊपर जाने वाला हूँ। उसके अलावा अपने पास और कोई रास्ता है भी नहीं। भाई रोनी भाई रो देंगे कि अरे क्या मेरा कितना मेहनत करके, बट उससे ज़्यादा ये बीकन में मेहनत लगी है। और रोनी भाई को ये चीज़ समझ नहीं होगी कि आप किसी के साथ ऐसे हाथ नहीं मिला सकते। जब हम आपको पूछ रहे हैं कि क्या आप उनकी साइड हो, बॉस गैंग की साइड हो, तब आप ना बोल रहे हो। और जब अपन लोग वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं कि वहाँ पे क्या माहौल है, तब हमें पता लगता है कि आप उनके साथ ही काम कर रहे हो, तो ये क्या बात हुई। तो आ जाओ ये चीज को ना अभी खंडेर कर देते हैं, मतलब इसको तोड़ देते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे मैंने जैसे ही ऊपर वाला ब्लॉक तोड़ा, मतलब जो भी चीजें बीच में आ रही थी वो तोड़ी, और जैसे ही वो तोड़ने के बाद आप लोग देख सकते हो हमारा जो बीकन है वो चलना स्टार्ट हो चुका है। मतलब हमारा बीकन परफेक्टली वर्क कर रहा है। अभी ना बीकन के अंदर ना एक ही चीज करनी है, वो है अपन को स्किल को चेंज करना होगा, और प्राइमरी तो आई थिंक भागने वाली रखते हैं और इसको कन्फर्म कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा बीकन रेडी, और हमारे पास आ चुकी है भागने वाली स्किल भी। तो हमने जो बीकन वहाँ से लेके आए थे, हम लोग वो बीकन को यहाँ पे हमने यूज़ कर दिया है, और अभी हमारे पास यहाँ पे मेन जगह पे हो चुके हैं दो बीकन। एक तो हीरो ब्रांड एसएमपी के टावर के अंदर है, एंड एक यहाँ पे है, और सामने है रोनी भाई का कसिनो। तो तुम लोग कमेंट करके बताओ तुम लोगों को क्या लगता है, अपन को रोनी भाई का जो कसिनो है उसको थोड़ा बहुत तोड़ना चाहिए। अगर आप लोग बोलते हो कि हाँ हीरो ब्रांड एसएमपी के अंदर जो कसिनो है रोनी भाई का, उसको थोड़ा बहुत तोड़ दो। मैं ना पूरा नहीं तोड़ूंगा, मेरे को पता है बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बट क्या अगर तुम लोग कमेंट करके बोलोगे ना, अपन एक चीज़ के लिए ना अभी के लिए इतना तोड़ देता है, यहाँ से ना ये चीज़ को ले लेता है, बस इतना तोड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं तोड़ेगा। बट अगर तुम लोग कमेंट करके बोलते हो कि हाँ रोनी भाई को सजा मिलनी चाहिए जो चीज़ उन्होंने करी है उसके लिए, और मुझे ये भी लगता है कि रोनी भाई ने ही ट्रैप बनाया था, तो आप में से कितने सारे लोग मेरे साथ सहमत हो कि यार हाँ रोनी भाई ने ही ट्रैप बनाया था, और तुम लोग जो बोलोगे ना वो मैं करने वाला हूँ। और मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने अभी एक चीज़ नोटिस की, वो है कि रोनी भाई उन लोगों के साथ कुछ ना कुछ तो खुफिया प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लगा दिया एक कांच मतलब ग्लास, और देखो भाई एकदम ओपी वाला बीकन्स दिखना भी स्टार्ट हो चुका है। तो आज अब इसी के साथ ये जो हीरो ब्रांड एसएमपी का एपिसोड नंबर 15 था हमारे चैनल का, वो होता है ख़त्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना ऐसे ही और हीरो ब्रांड एसएमपी के एपिसोड के लिए। और सब्सक्राइब करोगे तो उससे होगा क्या कि जब भी मैं कोई हीरो ब्रांड एसएमपी का नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप सबसे पहले देख पाओगे। तब तक के लिए सबको बाय बाय। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। चलो बाय बाय।